जल्दी बड़ा केस आएगा, तब तक ये चिरकुट केस सॉल्व करते हैं ना, बड़ा पैसा आता रहेगा। चिरकुट केसेस मतलब? देखो आया चिरकुट केस है, वो डबा दो जल्दी। सर दूंगा एक। मैं सही कर रहा हूं सर। नमस्ते सर। और भाई एजेंट क्या चल रहा है? बस आपकी दुआ है, बैठिए ना। क्या केस? कल रात 7 बजे पास वाले मंदिर में चोरी हुई है। पंडित जी ने इन दोनों को पूजा के वक्त घूमते हुए देखा था। ये कह रहा है चोरी इसने की, ये कह रहा है चोरी इसने की, मुझे पता लगाना है कि असली चोर है कौन। घबराइए मत सर, बहुत सिंपल है। किसने चोरी की तुम में से? सर मैंने नहीं की, इसने ही की है। सर यही चोर है। अच्छा ये लो, अभी मत खुलना। एक काम करो, ये दोनों में से एक उंगली चुन लो। एक उंगली चोर की है, दूसरी बेगुनाह की। जिसने चोर वाली उंगली चुनी वो चोर है। ए, बड़ी जल्दी है तुझे, तूने तो चोर वाली उंगली चुन ली। अब बता चोरी क्यों की? सर मैंने नहीं की सर। सर यही आपका चोर है? मैं नहीं हूँ सर। ये जल्दी में है क्योंकि ये घबराया हुआ है सर। इसने क्या सोचा कि कोई भी उंगली पकड़ लेता हूँ, बचने का 50% चांस तो होगा। तो इसने फटाक से उंगली पकड़ ली। बेगुनाह आदमी को कभी पता नहीं होता कि उसे क्या चुनना है। ओ, कहानी अच्छी है। रात को मैं मंदिर गया था प्रार्थना करने के लिए, मैंने तुम्हारी उंगली क्या पकड़ी, तुमने चोर घोषित किया। बात तो ठीक बोल रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तू सच बोल रहा है। ऊपर से तू चोर लगता भी नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, कल रात तुझे लीला महल थिएटर के बाहर देखा था। तू कल रात को गया था? हाँ सर। पिक्चर देखने गया था? हाँ सर। बालकनी सीट में ना? हाँ सर। बेसमेंट में पार्किंग करके ऊपर गया था? हाँ सर। यही तो कह रहा हूँ कि मैं वहाँ नहीं था। सर चोर तो यही है। सर ओ पिछले कई हफ्तों से लीला महल थिएटर बंद है रेनोवेशन के लिए, तू उधर क्या झक मारने गया था? सर वो उधर के मजदूरों के फोन पे पिक्चर देखने गया था। यस सर। मंदिर में चोरी करते हैं बेशरम। ले जाओ सर, यही चोर है। तुम जाओ तो ले लो। बनती है भाई साहब। ए चल तू भैया। हंसता क्या है बे? चोर वाली शक्ल बना बेशरम। राइट सर। राइट, थैंक यू। थैंक यू सर। पेमेंट कितना? सर देखो मंदिर का केस है, 1100 रुपए दे दो। अरे चोरी तो 500 की थी। ये लो 1100 रुपए, शुभ होता है। चल बे। कोई बड़ा केस लाओ ना, कब से औने पौने केस ला रहे हो। अरे बड़ी मुश्किल से तो ये मिला है। सर मेरे से कुछ ले लीजिए, छोड़ दीजिए ना। कितने? तुमको मैंने एक पर्ची दी थी ना, उसको खोलो जरा। कैसे? मेरे को पहले से पता था, क्राइम कितना भी कॉन्फिडेंस से क्यों ना किया हो, पकड़े जाने का डर हमेशा रहता है। वो डर मुजरिम की आंखों में दिखता है। सब लोग उसे छुपा नहीं पाते, ये भी नहीं छुपा पाए। क्रिमिनल्स भी नहीं छुपा पाते? तुमको क्या लगता है, क्रिमिनल्स में बहुत भेजा होता है, बहुत अकलमंद होते हैं। 90% लल्लू होते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है बस वो पढ़ने की देर होती है। क्राइम कैसे किया गया है, उन्हें किस बात का डर है, बस ये पकड़ लिया ना तो दुनिया का कोई भी केस सॉल्व हो जाएगा। एजेंट। ए श्रीश सर, कैसे हो दोस्त? सुपर। पता नहीं कितने साल से आपके दर्शन नहीं हुए सर। क्या बताऊं, ये क्राइम रिपोर्टिंग का काम तो जान निकाल देता है। आर्टिकल्स लिखने में ही पूरा समय निकल जाता है। जब कभी कभी टाइम होता है, तुम्हें कावली एनजीओ में मेरे गुरु याद है, वहीं चला जाता हूँ। आज एनजीओ बंद है इसीलिए यहाँ तुमसे मिलने आ गया। अहो भागे हमारे। कॉफी पीने चलें? चलो। ए अन्ना मेरी कॉफी इसमें डाल। और क्या चल रहा है? वही रूटीन, बिजी लाइफ। वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो, कोई इंटरेस्टिंग केस है बताओ? बस चल रहा है, छोटे छोटे केस। बहुत दिन बाद देखे, कहाँ हो आजकल? हाँ बस थोड़ा बिजी हूँ। मेरे एरिया में क्या कर रहे हो? मैं मेरे दोस्त से मिलने आया था, एजेंट साई श्रीनिवास अथ्रेया। नमस्ते सर। एजेंट, LIC एजेंट हो? सुना है कि कोई बढ़िया सी पॉलिसी आई है, क्या कहते हो, मैं ले लूं क्या? ये LIC एजेंट नहीं है, डिटेक्टिव एजेंट है। डिटेक्टिव है? हाँ डिटेक्टिव। मतलब मैं समझाता हूँ। और सर आपके घर पे कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हुआ कि नहीं? कंस्ट्रक्शन मतलब? बस क्या सर, आप रोज अपनी ग्रीन कलर की वेस्पा AP 26 2473 यहाँ पार्क नहीं करते? इधर से न्यूज़पेपर खरीद के उस बस स्टैंड से 10:30 बजे की बस पकड़ के ऑफिस नहीं जाते? आराम से 11 बजे ऑफिस जा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। और इस बस की रूट में एक ही गवर्नमेंट ऑफिस आता है, PWD। जेब में पेन रखा है, कैलकुलेटर। PWD में अकाउंट सुपरवाइजर हो क्या? अपनी 15,000 की सैलरी में 2 मोबाइल फोन खरीद लिए, जिनमें से एक आईफोन है जो पिछली पॉकेट में छुपा के रखा है। टेबल के नीचे बहुत फाइलें साइन हो रही हैं, बाकी फाइलें पेंडिंग छोड़ के उसी बस से वापस इसी बस स्टैंड पे आते हो ठीक 6 बजे। 6 से 8 के बीच कहीं तो गायब हो जाते हो तुम। 8 बजे जब तुम इसी दुकान पे वापस आते हो तो तुम्हारे जूतों पे कंस्ट्रक्शन की धूल होती है। इधर एक चाय और सुट्टा ऑर्डर करके अपनी बीवी को फोन करते हो और बोलते हो कि डार्लिंग मैं ऑफिस में फंसा हुआ हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। वो क्या है ना सर,
मैडम को कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में नहीं पता ना? दूसरा घर बन रहा है, दूसरा फोन रखा हुआ है, लेकिन वापस पार्किंग से अपना वेस्पा उठाते हो, फूलों का बंडल खरीद के एक लविंग हस्बैंड की तरह वापस घर पहुंचते हो। ठीक कह रहा हूँ ना सर? ये सब तुम्हें कैसे पता? अरे सर, आप इधर रोज चाय नहीं पीते क्या? अरे भाई, तुम इनको जानते हो क्या? नहीं जानता। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि ये चाय की दुकान चलाता है। तुम इधर से रोज न्यूज़पेपर खरीदते हो कि नहीं? ए दद्दू, ये आदमी को जानते हो क्या? मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़पेपर बेचता है। और मैं तुम्हारे बारे में सब कैसे जानता हूँ? क्योंकि आप एक डिटेक्टिव हैं। अब तो तू समझ गया ना बेटे, किस तरह का एजेंट हूँ? हाँ, समझ गया सर। तो निकल, 10:30 वाली बस आ गई है तेरी। अरे सर, माथे पर ये टीका और विभूति, उंगलियों में अंगूठियां देखकर लगता है भगवान में विश्वास करते हो। देखो नीचे नजर उतार के फेंकी है किसी ने नींबू से बच के। मैडम को हाय बोल देना मेरा। बाय सर। निकल। कल चाहिए, यहाँ से बस नहीं पकड़ेगा। अरे छोड़ना, रोज मिलते हैं ऐसे। दरअसल मैं तुम्हारी मदद मांगने आया था। किस बारे में? अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, उनका पता लगाना है। नेल्लोर जिले में ही कम से कम 5 डेड बॉडीज रोज पाई जाती हैं। इन बॉडीज को कोई पहचान भी नहीं पाता, ये मर्डर है या सुसाइड कुछ पता नहीं चलता। ये बॉडीज मिसिंग कंप्लेंट से भी मैच नहीं करती। ठीक है, एक अनक्लेम डेड बॉडीज का सेक्शन जरूर होता है, वहाँ एक हफ्ता बॉडीज रखते हैं। अगर कोई आकर पहचान ले तो ठीक, वरना वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके एक ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार करते हैं और उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। दरअसल मैं इस केस की तह तक पहुंचना चाहता हूं, पर अफसोस यह है कि मैं वक्त नहीं निकाल पा रहा हूं। तुम इसमें इंटरेस्ट लोगे? अगली बार बॉडी मिले तो फोन करो ना यार, तुमको तो पता है इस तरह के केस के लिए मरता हूं मैं। फोन कर देना। ठीक है। क्या दीदी, ठीक हो ना? हाँ सीनू, ठीक हूं। तो और क्या, बाकी सब तो ठीक चल रहा ना? हेलो, बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूं मैं। हाँ थैंक्स। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या हुआ? मिलता हूँ, कोई तो मर्डर केस है। अच्छा सुन, ऑफिस का फैन चालू है, टीवी चालू है, कम से कम शटर तो गिरा दे। अजीब है यार। घर में चोरी हो गई है? क्या आपके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है? आपको उन पे शक है क्या? क्या आपकी फैमिली में किसी को किडनैप किया गया है? हर समस्या का समाधान चुटकियों में पाओ। तो इंतजार किस बात का है? फोन उठाओ, नंबर लगाओ, समस्या बताओ, हम आपका केस सॉल्व करेंगे। हमें FBI नेल्लोर, हम क्राइम को आइसक्रीम की तरह पिघला देते हैं। दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि हमारी डिटेक्टिव टेक्निक्स कितनी असरदार हैं, तो आपको मैं आज एक छोटा सा डेमो देता हूं। ए, वो क्रिमिनल को भेजो। मेरा नाम श्री हरी। यू आर अंडर अरेस्ट। देखा आपने, बिजली से भी तेज इंसाफ मिलेगा। आपको इससे बढ़िया डिटेक्टिव कहीं नहीं मिलेगा। सुबह 11 बजे से पहले फोन कीजिए और धमाका ऑफर का फायदा उठाइए, खास आप लोगों के लिए। सुबह 11 बजे से पहले आने वाले केसेस को मिलेगा एक बहुत ही आकर्षक, एक बिल्कुल फ्री डब्बा। तो अभी फोन लगाइए, फोन उठाएंगी वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव स्नेहा। क्या कहती है स्नेहा? स्नेहा इसको काट देंगे। एजेंट साई श्रीनिवासा आत्रेया। अरे सर ये लो, फोन करना। FBI नेल्लोर। अरे रुक यार, थक गया मैं। वो देख कबूतर। रुक, पर क्या कर रही है? बहुत इंटरेस्टिंग है। पकड़ के दिखा। रुक, टेंशन मत लेना, सब संभाल लूंगा। एक नट तू भी लगा ले।
मामा, माँ कहाँ है? मैंने सारे अंतिम संस्कार दोपहर में ही कर दिए सिनू। आज पंचक काल लगने वाला था। पंचक काल के दिन अंतिम संस्कार करना घर के लिए बहुत अशुभ होता है, इसलिए मुझे सब जल्दी करना पड़ा। मेरे आने तक रुके क्यों नहीं मामा? मेरे बिना अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसी बात नहीं है सिनू, तुम तो जानते हो हमारे गांव के लोग और यहाँ के रीति रिवाज। अरे रीति रिवाज की तो मैं अपनी माँ को नहीं देख पाया। ये सब हुआ कैसे? पिछले हफ्ते वो हर साल की तरह आदि महोत्सव में गई हुई थी। तुम जानते हो वहाँ की परंपरा, भक्तों के सिर पर मंत्र जाप करके नारियल फोड़ा जाता है। उसके बाद तो वो ठीक थी, लेकिन एक दिन अचानक घर पर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उसकी सिर की नसें डैमेज है और वो कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद 2 घंटे बाद ही तुम्हारी मौत चल बसी। आपने उन्हें जाने क्यों दिया? छोड़ो माँ। माँ चली गई। कहाँ भाग रहा है? रुक जा। आ, मा। देखा, लग गई ना चोट, इसीलिए रोक रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ सिरीश। हेलो, नेलोर के बाहर वेंकटाचलम रेलवे ब्रिज के पास एक डेड बॉडी मिली है। क्या बात कर रहे? जल्दी आ जाओ। हाँ मैं भी आता हूँ। थैंक्स यार। ओके बाय। क्या कर रहा बे? कौन है तू? तूने तो नहीं किया ना ये फोन? हाँ मैं क्यों फोन करूंगा सर, मुझे तो फोन आया था इसीलिए। तो तुझे बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए भेजा है। सर मैं एक डिटेक्टिव हूँ। अरेस्ट कर इसे। चल रहे। ये घुसखोर। चल बोला ना सर, समझाओ इसको। इतने फेमस डिटेक्टिव को अरेस्ट करना आसान नहीं है, पता है ना? नहीं पता, ले रहे इसको। सर सर ये फाइल को मैंने देख लिया सर। अब आप देखना चाहे तो इसे देख लीजिए। और क्या स्टाइल है, वाह 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 वाह। एक हाथ में बर्गर, दूसरे में चकना। सर ये चिप्स की आवाज तो रहमान के म्यूजिक जैसी है, आपको सुनाई दे रहा है ना? क्या बात है सर, ये हाइट, ये यूनिफॉर्म, क्या पागल हो गए क्या सर? जंजीर के इंस्पेक्टर जाकर इसकी सर्विस कर। अमित जी लगता है कोई सनकी है।
Please. Okay, sir. Hey, Suresh Watson, I can't possibly tell you how disappointed I am upon your late arrival. Please do the needful to get me out of this godforsaken place. Thank you so, so much. What a bloody brilliant day. Sir, मैं इनाडू का एक क्राइम रिपोर्टर हूँ सर. हाँ तो? सर, जिसे आपने अरेस्ट किया है, अथ्रेया, मेरा दोस्त है. तेरा दोस्त अब कैदियों का दोस्त बन गया है. तुझे भी अंदर जाना है क्या? सर, ये वाकई एक फेमस डिटेक्टिव है सर. आपसे जरूर कुछ गलती हुई होगी. फेमस होगा अपने घर पे तो टमाटर वालों के अलावा कोई नहीं जानता. फेमस कहाँ से हो गया? वो वहाँ गया था क्योंकि मैंने उसे इन्फॉर्मेशन दी थी. क्राइम रिपोर्टर बता रहा खुद को. तुझे तेरी भाषा में समझाता हूँ. क्राइम सीन पे जो चीज़ें होती हैं उसे सबूत कहते हैं. और वो लोग जो तेरे दोस्त की तरह वहाँ मौजूद होते हैं ना, उसे मैं सस्पेक्ट कहता हूँ. तो भैया मैं तो छोड़ने से रहा. हाँ, बेल ले गया, अपने दोस्त को ले जा. आज तो कोर्ट में छुट्टी है सर, कल सुबह तक बेल नहीं मिलेगी. तो आज रात यही रहने दे. फिक्र मत कर, खातिरदारी करेंगे. पानी मांगेगा दूध देंगे और फिर पिछवाड़े से निकालेंगे. मैं जानता हूँ इसे कैसे छुड़ाना. चलो स्नेहा. हाँ तो कर लेना जो करना है. मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? अत्रेया, मैं अभी आया. कुछ कर यार जल्दी. हेलो, इट्स ओके. एक ही दिन ना चलेगा. डिटेक्टिव्स के लिए अरेस्ट होना शुभ होता है. जब मेरी लाइफ पे बायोपिक बनेगी ना तो ये जेल वाला सीन बहुत इमोशनल बनेगा, देखना. कल सुबह 10 बजे बेल की कोशिश करता हूँ. अरे कोई टेंशन नहीं, सब ठीक है यहाँ पे. बस ये थोड़ा खराटे ज्यादा लेता है. डोंट वरी, कल बेल लेके स्टाइल से जाएंगे. अफसोस, आपका समय समाप्त. उठो यहाँ से, तेरी तो बायोपिक भी फ्लॉप होगी बे. इसकी बायोपिक बनी भी ना तो ऐसे ही सारे कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ेंगे. सच कह रहा हूँ सर.